नमस्कार, मैं आपका अपना प्रकाश और इस वक्त 5:50 हो रहे हैं। अभी भी NDRF और SDRF की टीम जो कि लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है, जो कि बीच में चट्टान आई थी उसी चट्टान को काटा जा रहा है लगातार, जो कि हर एक मूवमेंट की अपडेट जो कि मैं आपको दे रहा हूँ और हर एक मूवमेंट की बारे में रखा जा रहा है कि राहुल क्या कर रहा है, राहुल की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ ध्यान में रखी जा रही है। और लगातार जैसे कि जोरों से चल रही है रेस्क्यू कि जल्द से जल्द राहुल को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाए। तो यही अपडेट था, आप सभी को देना जरूरी था। लगातार मैं आपको राहुल की हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी देता रहूँगा, तो चैनल में बने रहिएगा। सुबह के 5:50 हो रहे हैं और आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि जिला पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस जो कि जो जो यहाँ सेवा दे रहे हैं, सारे जो कि रात भर जग रहे हैं, रात भर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं रात भर कोई भी नहीं सोया है। रात भर जो कि आप देख सकते हैं कि रात भर रेस्क्यू चल रहा है, पत्थर अभी भी चट्टान काटे जा रहे हैं। इसी कोशिश में अभी तक NDRF और SDRF की टीम लगी हुई है लगातार। आपको मैं जहाँ जिस बोरवेल से नीचे राहुल गया है आपको वो स्थान में आपको दिखाता हूँ। जस्ट आपको जो सामने वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पर NDRF की टीम जो कि रात दिन लगी हुई है राहुल से उनकी हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी ले रही है, जो कि टीम रात भर लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। और मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगा जहां जो कि गड्ढा जो किया जा रहा है, ड्रिलिंग जो की जा रहे हैं, वो एरिया भी आपको मैं दिखाता हूं जल्द ही। चिकित्सा वाहन जो कि मौके पर मुस्तैद हैं, जैसे ही राहुल को निकाला जाएगा वैसे ही उनको चिकित्सा दी जाएगी। और आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो और ये रहा तीसरा एम्बुलेंस, और आपको एक और एम्बुलेंस में दिखाता हूँ। मतलब कि चिकित्सा भी बड़ी संख्या में मुस्तैद की गई है कि राहुल को जैसे ही रेस्क्यू किया जाएगा, जैसे ही बाहर लाया जाएगा वैसे ही उसे उचित रूप से चिकित्सा दे सके। रात भर यहाँ पर जो कि मीडिया प्रभारी जितने भी आए हुए हैं, आप सभी को राहुल की हर एक मूवमेंट की अपडेट देने के लिए आप देख सकते हैं रात दिन यहाँ पर निगरानी रखी हुई है, हर एक मूवमेंट के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं मेरे सामने सारे मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया कर्मी हैं जो कि रात दिन लगे हुए हैं। आप इस ओर भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस ओर भी आप देख सकते हैं, सभी कोई राहुल को लेकर के एक्टिव हैं कि राहुल कब बाहर आएगा, उसे क्या मूवमेंट है, क्या प्रतिक्रिया है, काम कहाँ तक है पहुँचा है, रेस्क्यू कहाँ तक पहुँची, ये सारी चीज़ ध्यान में रखी जा रही है और आप सब तक अपडेट दिया जा रहा है। नमस्कार, सुरक्षा की सारे मुस्तैद जो कि चिकित्सा विभाग को मैं बोलूं या सेना के बल को बोलूं या फिर जिला सुरक्षा बल को बोलूं, सभी दिन रात एक कर रहे हैं, जो कि जोरों से लगे हुए हैं। रात भर सुरक्षाकर्मी भी अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं, NDRF SDRF की टीम पूरी जोरों से लगी हुई है रात भर। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आला ढीली देखने को मिल रही है काम पर, रात भर लगे हुए हैं। जो बीच में मोटी चट्टान आई थी उसी चट्टान को काटा जा रहा है, अभी भी टनल का काम जो कि उसी चट्टान को काट करके टनल का काम पूरा किया जाएगा। हर एक मूवमेंट की जो कि निगरानी जो कि कर रही है NDRF की टीम, हर मूवमेंट की बारे में जो कि राहुल क्या कर रहा है, राहुल की क्या स्थिति है, राहुल को खाना पीना देना, ये सारी चीज़ जो कि NDRF की टीम कर रही है। और यही है कि बहुत जल्द राहुल को रेस्क्यू करके निकाला जाएगा, यही चीज़ हर किसी के निगाहों में है, हर किसी के नींद जो कि अब तक किसी को नींद नहीं आया, बस इसीलिए नहीं आया कि राहुल बहुत जल्द रेस्क्यू होकर बाहर आएगा और हर कोई उसे देखना चाहता है अपनी निगाहों से। तो यही कहना, सलामती की दुआ कीजिएगा कि राहुल जल्द जल्द बाहर आए और स्वस्थ रहे। जय हिंद।